सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मुस्कुराते चेहरे किसी सपने से हैं, इनको आँखों से उतरने ना दो। बहुत सुकून है किसी को हंसाने में, कोई हर्ज नहीं थोड़ी इंसानियत दिखाने में। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि मेरी जरूरत सबको पड़ेगी। मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा है बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। आज का पंचांग 10 दिसंबर 2022 दिन शनिवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, दोपहर 1:48 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र शाम 5:42 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:40 से 10:59 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी पूरे दिन रात, और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 10 दिसंबर 2022 दिन शनिवार, आज का दिन संकेत दे रहा है कि आज आप खूब आनंद उठाएंगे, लेकिन बेहतर यही होगा कि सुबह कुछ समय निकालकर अपनी कल के विशेष कार्यों को पूरा कर लें। अपने कार्यक्रम की योजना अपने परिजनों के कार्यक्रम के अनुसार ही बनाएं ताकि बाद में कोई गलतफहमी या समस्या ना आए। कर्क राशि वालों को आज व्यापारिक कार्यों में धन लाभ की स्थिति बन रही है। व्यावसायिक मामलों में ऊर्जावान होकर साहस का परिचय देंगे। काम धंधे के समय किसी सौदे के अंतर्गत धन लाभ की स्थिति देखी जा सकती है। व्यापारिक निवेश बढ़ाने को लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है। नौकरी पेशे वर्ग के जातक आज ऑफिस में अपनी कार्यों को लेकर दिन भर व्यस्त रहेंगे, और आज अब कार्य क्षेत्र में कुछ बेहतर प्लानिंग करेंगे जिससे भविष्य में लाभ का सहयोग बनेगा। घर परिवार में हास परिहास और खुशहाल वातावरण रहेगा। मनोरंजन संबंधित कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता रहेगा। ससुराल पक्ष से पर्याप्त मात्रा में धन हाथ लग सकता है। लव लाइफ में आपसी प्रेम धीरे धीरे मजबूत होगा। अभिभावकों और उम्र दराज लोगों को आपके सहयोग की दरकार आवश्यकता है। संध्या काल में कोई रुका कार्य पूरा होगा। आज के दिन आपके लिए अचानक लाभ दिलाने वाला रहेगा। आप कार्य क्षेत्र में कुछ नीतियों को अपनाकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। सावधानियां, बड़ा जोखिम उठाने से आज बचना होगा। जिसमें वह सामंजस्य से काम लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी अपने परिजनों की सीख व सलाह से आगे चलेंगे, और आपको अप्रत्याशित लाभ मिलने की भी उम्मीद बनती दिख रही है। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप अपने प्रेम के रिश्तों में भ्रम और पहेली की स्थिति रहें। आज आपके प्रेम के रिश्तों में भ्रम और पहेली की स्थिति रहेगी। आप अपने साथी के कार्यों और मंशा को समझने में असफल रहेंगे। बेचैनी और असंतोष की एक अस्पष्ट भावना भी आपके अंदर रहेगी। सब कुछ ठीक होने में समय लगता है, और वो आपको देने की जरूरत है। जल्दबाजी में चीजों से निपटना आपको कुछ मदद नहीं दे पाएगा। धीमी गति से आगे चलें और स्थिति का हल अपने आप निकल जाएगा। बात करते हैं करियर की। आज का दिन काफी मुश्किलों से भरा रह सकता है, और आपको सख्त नियमों का पालन करते हुए काफी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन यह आपके भविष्य की योजनाओं के लिए एक ठोस आधार बनाने में मदद करेगा। आज का परिश्रम आपको भविष्य में फल देगा। हो सकता है कि आप अपने सहयोगी की जिम्मेदारी भी लें। बात करते हैं सेहत की। आज आपको ठंड और बुखार परेशान कर सकते हैं। बाहर जाते हुए बहुत सावधान रहें, क्योंकि आप वायरस की चपेट में आ सकते हैं। ठंड की समस्या तो छोटी सी है, लेकिन यह कई दिनों तक आपको परेशान कर सकती है, जिससे आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने भोजन में काफी बड़े स्तर पर परिवर्तन की योजना बनाएं,
लेकिन बेहतर होगा कि आप पहले व्यवहारिक रूप से यह जांच कर लें कि आप जो खाना अपने लिए निश्चिंत कर रही हैं, क्या आप उस पर अमल कर पाएंगी। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।